खबरीवा से है, जहां इन दिनों किसानों को खाद लेने के लिए खासा मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं कई किसानों ने आरोप लगाया था कि उनसे ज्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं और खाद की कालाबाजारी भी की जा रही है। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने मोबाइल नंबर जारी किए हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना दी जा सकती है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और कलेक्टर मनोज पुष्प करहिया मंडी पहुंचे, जहां खाद्य वितरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है रीवा मंडी में। जिले के आसपास के जिले के लोग भी खाद लेने आते हैं, जिसके चलते भीड़ भाड़ ज्यादा दिखाई देती है। श्री पुष्प ने कहा कि निजी और शासकीय सभी जगह एक ही रेट में खाद उपलब्ध हो रही है। अगर किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो जारी किए गए नंबर पर सूचना दी जा सकती है। आइए दिखाते हैं अधिकारियों ने मंडी कर्मचारियों को क्या निर्देश दिया है और मीडिया को क्या जानकारी दी है। डबल लॉक पे चूंकि नगद खाद का भुगतान होता है और जिले में सभी जगह सभी सोसाइटी में सभी मार्केटिंग सोसाइटी में डबल लॉक में और जो प्राइवेट हमारे डीलर्स हैं सभी को हम लोग लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सभी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा रखी है और ये कोशिश की जा रही है कि खाद के वितरण में कहीं कोई असुविधा नहीं हो। खाद की उपलब्धता पर्याप्त है, पिछले साल के मुकाबले काफ़ी मात्रा में खाद ऑलरेडी आके वितरण किया जा चुका है और बहुत सारा खाद का मूवमेंट भी है। यहाँ से चूँकि शहर के आसपास के इलाके की और आसपास के ज़िले के भी किसान लेते हैं तो कई बार यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और इसके लिए हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं कि यहाँ काउंटर्स बढ़ाए जा सके और जिस समय यहाँ खाद का वितरण हो उसके साथ साथ ही उसी समय जो प्राइवेट वेंडर्स हैं आसपास के वहाँ भी खाद का वितरण कराया जाए। व्यवस्था को बेहतर कराने के लिए जो इंतजाम है उसको देखने के लिए हमारे एसपी साहब आए थे और अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। आप पीछे देख रहे होंगे जो एक फ्लेक्स है, ये हमने निर्देशित किया है कि प्राइवेट के भी जितने रिटेलर्स और वेंडर हैं और जहाँ जहाँ भी इसे भी खाद की बिक्री होती है वो इसको ऐसे जगह पर लगाएंगे जहाँ से ये किसी तरह का ये कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि कहीं पर एक पैसा भी ज़्यादा में कोई खाद बेच सकता है। खाद की कीमत भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया हुआ है और चाहे वो प्राइवेट से हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे डबल लॉक में हो, चाहे मार्केटिंग सोसाइटी में हो, सभी जगह एक कीमत पर ही खाद बिकेगी। और ये हमने इसलिए फ़ोन नंबर दिए हैं कि कोई भी किसान भाई अगर कोई उनसे ज़्यादा की राशि की डिमांड करता है तो उसकी शिकायत करे और हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, देखा जाता है समय पर खाद नहीं मिलती जिसकी वजह से प्राइवेट वेंडर्स पे उस पे निर्भर होते हैं। हाँ, तो प्राइवेट को खाद बेचने के लिए ही दिया जा रहा है, जाना चाहिए प्राइवेट के पास और आपको भी इस बात का प्रचार करना चाहिए कि किसी को एक पैसा ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। जब वही खाद यहाँ पे उसी दाम में मिल रहा है, वही प्राइवेट में उसी दाम में मिल रहा है, सोसाइटी में, तो फिर निर्भरता की कहाँ बात है। प्राइवेट में जाना चाहिए, वहाँ तो ज़्यादा दाम लिए जाते हैं। नहीं लिए जाएंगे, आप शिकायत कीजिए, केवल सब्जेक्टिव बात करने से काम नहीं चलेगा, हमको शिकायत चाहिए और हम उसमें बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।